हाँ जी बेटा, एज यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन टू, मैं पहले भी बता रही हूँ कि ये वैसे डिलीटेड हो चुका है, बट के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे इन कोलिनियर में, तो हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं, सिंपल हो जाती हैं। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले मेरे वैल्यू दी हुई थी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट की, 3 पॉइंट्स की, सॉरी 7, -2, 5, 1 और 3, k, और मुझे कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैंने कल भी आपको बताया था अगर एक 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, लास्ट में विवान पे अटेंशन हियर बेटा, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो दैट मींस कि ये कोई भी ट्रायंगल नहीं बना रहे। अगर ये ट्रायंगल नहीं बना रहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसको ए बी सी लेट कर लूं तो मैंने बताया था हाफ, पहला कोऑर्डिनेट लिखो 7, -2, सेकंड कोऑर्डिनेट लिखो 5, 1, थर्ड कोऑर्डिनेट लिखो 3 k, और फर्स्ट को क्या कर दो, रिपीट कर दो 7, -2, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी 1/2 उधर जाके 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी ये 1/2 खत्म हो गया। ओके जी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, इस जो ब्रैकेट मैंने ये जो फॉर्मूला बताया इसको ओपन करने का मेथड, 7 × 1 7, बीच में क्या लगता है माइनस, अब 5 × -2 -10, नेक्स्ट 5k -3, यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर प्लस, अब इसको इसके साथ -6 -7k इक्वल टू 0। तो इसके बाद मैंने कहा था k वाली वैल्यूज कलेक्ट कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। ओके जी, क्लियर। नाउ बेटा ऑप्शनल एक्सरसाइज में से हमारे पास जो है, बिफोर स्टार्टिंग द ऑप्शनल एक्सरसाइज आई वॉन्ट टू टेल यू द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रॉइड होता क्या है। सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट वेयर, सेंट्रॉइड जो एक पॉइंट होता है हमेशा ट्रायंगल के साथ कोरिलेट होता है, ट्रायंगल के अंदर होता है। मीन्स मेरे पास ये एक ऐसा पॉइंट है यहां से सारे मीडियन, एक ट्रायंगल के कितने मीडियन होते हैं, 3 होते हैं ना, क्योंकि एक वर्टेक्स से हम इधर ड्रॉ किया, फिर एक वर्टेक्स से इधर ड्रॉ किया, फिर एक वर्टेक्स से इधर ड्रॉ किया, किया कि नहीं किया। तो मेरे पास ए बी सी ट्रायंगल है, तो ये जी पॉइंट जो है वो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल होता है। अगर इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके x2 y2 है, इसके x3 y3 हैं, हमने विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, मैं आगे आपको करवाऊंगी एक क्वेश्चन में प्रूफ आएगा कि इसको फाइंड आउट कीजिए, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला मैंने ये कैलकुलेट किया कि इसके कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के x1 + x2 + x3 / 3 होते हैं, कॉमा y1 + y2 + y3 / 3 होता है। ओके अगर आपके के पास 3 वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, जो सेंट्रॉइड होता है ना वो एक मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है ऑलवेज, यानी उसका अपर पार्ट 2 लोअर पार्ट 1, ऐसे ही ये देखूं। अब इसका 2 किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, और 1 इधर, इसका 2 इधर और 1 इधर। इट ऑलवेज सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ओके बेटा, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप में हमसे कभी भी आपके ट्रायंगल वाले चैप्टर में से या कहीं से भी पूछ सकते हैं। ओके चलिए बेटा, अब हम एक्सरसाइज करते हैं 7.1 ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
बिल्कुल आ सकती है बेटा। हाँ जी मेरे पास उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रिटन हियर इन एक्सरसाइज 7.4। इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज रिटन, डिटरमिन द रेशियो, वी नीड टू कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइट आपके पास दी हुई है 2x + y - 4 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट मेरे पास ए दैट इज 2, -2 बी 3, 7। अब उसने कहा है इन दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बन रही है, इसको ये वाली लाइन ऐसे कट कर रही है। अब जब ये कट कर रही है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, इसकी फिक्स्ड लेंथ है, अगर इसको कट कर रही है तो किस रेशियो में कट कर रही है। अब रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने आगे भी आपको बोला था जब भी रेशियो वाला आए तो स्टार्ट कैसे करते हैं, के रेशियो वन, वेरी गुड। तो आप क्या लोगे, लेट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो के रेशियो वन। अगर ये के रेशियो वन है तो बेटा सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, आप मुझे बताइए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, के इंटू थ्री, थ्री के हाँ जी +2/(k+1) कॉमा, अगला क्या आएगा 7k - 2k+1, वेरी गुड। अब बेटा ये जो पॉइंट सी है ये किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, ये लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, इसको क्या करवा दें, सेटिस्फाई करवा दें, करवाएं कि ना करवाएं, हो सकता है ना। तो दैट मीन एक्स की जगह पे मैं ये पुट करूंगी और वाई की जगह पे मैं ये पुट करूंगी, तो के का आंसर आ जाएगा आपके पास। दिस सी लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन वन, देयरफॉर 2 × 3k + 2/(k+1) प्लस मेरे पास 7k - 2/(k+1) -4 = 0। सॉल्व करें, हाँ जी कीजिए, एलसीएम ले लीजिए k+1 का, मैं 2 मल्टीप्लाई भी साथ कर रही हूँ, 6k + 4 7k - 2 - 4k - 4 = 0, 13 13 - 4 9, ये 4 और 4 कैंसल = 2, के की वैल्यू 2/9, देयरफॉर रेशियो क्या बन गई 2:9। ओके बेटा सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? मैम चलो आगे, चलिए बेटा एक्सक्यूज मी मैम, यस यस नूर बेटा, मैम रिपीट कर दो, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, समझ नहीं आया क्वेश्चन। ओके बेटा ओके, हाँ जी जैसनूर मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, यहाँ पर यहाँ पर मेरे पास बेटा ये आया क्वेश्चन, ये था अगर मेरे पास ए बी जो है कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक लाइन सेगमेंट के एंड कोऑर्डिनेट्स, और उसने कहा कि एक लाइन जो है 2x + y - 4 = 0, दिस इज द लाइन विच डिवाइड्स ए बी इन अ पर्टिकुलर रेशियो, मुझे वो रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब बेटा अगर रेशियो कैलकुलेट करनी है तो मैंने रेशियो को के रेशियो मान ले लिया, अगर के रेशियो मान लिया अभी मैं इस लाइन को भूल गई तो बेटा सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हो गए, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आता है जैसनूर? यस मैम आता है। ओके तो मैंने अप्लाई किया तो बेटा आई विल गेट दिस। अब ये जो सी पॉइंट है वो बेटा इस लाइन पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, जब इस लाइन पे सेटिस्फाई हो रहा है तो ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। के क्या थी मेरी, रेशियो को ही रिप्रेजेंट कर रही। ओके बेटा
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब बेटा व्हाट दे हैव रिटन इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब बेटा देखिए एमसीक्यू टाइप है 100%, अगर उसने कोलिनियर के लिए कहा है, अगर मैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी लगाऊंगी तो बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा, नो डाउट एरिया वाला डिलीटेड है, बट मेरी कैलकुलेशंस को क्या कर रहा है वो इजी कर रहा है। तो मैं यहाँ पर बेटा क्या करूंगी, मैं यहाँ पर उसको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल से जो है यूज करूंगी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से मैं करूंगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू जीरो, वन बाय टू एक्स वाई, वन टू सेवन जीरो एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब वन बाय टू उधर जाके जीरो हो गया, अब निकालो रिलेशन, मेरे पास हो गए टू एक्स माइनस वाई, पहला यही आएगा ना 2x माइनस वाई, अगला बेटा 0 माइनस 14, नेक्स्ट मेरे पास 7y माइनस 0 इक्वल टू 0। अब आपके पास हो गए क्या बन गया बेटा, दैट इज 2x प्लस 6y इक्वल टू 14, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो आई विल गेट दिस आंसर, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ हम उसको क्या कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं। बात क्लियर हुई सबको 100%? चलू बेटा आगे, ओके गुड, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मेरे पास व्हाट इज रिटन हियर इन द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल, क्वेश्चन नंबर 3 पासिंग थ्रू द पॉइंट। आप देखिए ध्यान से बेटा, उसने मुझे कहा है कि 6, -6, 3, -7, 3, 3। बेसिकली बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को चेक करूं कि मेरे पास जो है ये क्वेश्चन कैसे इवैल्यूएट हो रहा है, अगर मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूं तो ये 3, 3 और 3, 7 मेरे पास कहां आएंगे, बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये कहां से सेंटर से पास करें, ये जरूरी तो नहीं है ना, मैं इनको एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर नहीं ले सकती, मुझे पता ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम सेंटर को एक्स कॉमा वाई ले लेते, ले लिया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है, हम तीनों से रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, ओ ए बी और सी। ओके बेटा, मैंने रेडियस कैलकुलेट करने के बाद मैंने दो दो रेडियस को इक्वेट करूंगी, पहले ओ ए और ओ सी को, फिर ओ ए ओ बी को, मेरे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी एक्स और वाई में, दोनों को सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। समझ आया क्यों ऐसा किया, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो अब हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेट अस सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, दोनों रेडियस हैं, तो मेरे पास पहले अगर बेटा OA OC के इक्वल है तो स्क्वायर भी इक्वल ही होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, उससे क्या बेनिफिट होगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब OA मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, y प्लस 6 का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ से x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स ही है, रेडियस निकालना है, सेंटर पता है, एक्सट्रीम पॉइंट पता है, तो क्या निकालेंगे परीना, डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। समझ आई बात सबको? ओके अब बेटा इसका होल स्क्वायर खोले। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए। लगाइए बेटा सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स सेम, बट यहाँ प्लस का लगेगा, वाई स्क्वायर थर्टी सिक्स ट्वेल्व वाई सेम यहाँ पर लगाए। मेरे पास जो है क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर थे दोनों तरफ वाई स्क्वायर थे। अब बाकी कैलकुलेशन देखें, 36 नहीं कट रहा, कोई और टर्म कट रही है तो देख लो काट सकते हो, कुछ भी नहीं कट रहा, हम सारी टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे। हाँ जी, माइनस ट्वेल्व एक्स और प्लस सिक्स एक्स, माइनस सिक्स एक्स वाई वाली टर्म, ट्वेल्व वाई प्लस सिक्स वाई प्लस एटीन वाई। अब कॉन्स्टेंट टर्म देखे मेरे पास, कॉन्स्टेंट टर्म को देखूंगी तो बेटा मेरे पास 36 और 36 72 और ये क्या था 18, तो माइनस 18 हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 54। अब ध्यान से प्लस 54 इक्वल टू जीरो, सारी टर्म 6 से डिवाइड हो रही है। हाँ जी, माइनस x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3y और माइनस कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू जीरो। मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, अभी तो एक इक्वेशन निकली है, अब क्या करेंगे दूसरी पे, कम से कम दो इक्वेशन एक्स वाई में चाहिए बेटा। अगर दो होंगी, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन हो तभी हम क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं दो वेरिएबल्स। हमने रेडियस सेंटर एक्स और वाई लिया, कितने वेरिएबल्स थे दो, एक्स एंड वाई, तो मुझे कम से कम दो इक्वेशंस हैं। तो वही अभी मैंने ओ ए इज इक्वल टू ओ सी किया, अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या कर रही हूँ, ओ हम ऐसा करते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी कर देते हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा, ओ ए स्क्वायर इधर कैलकुलेट किया हुआ ठीक है ना। अब ओ सी ओ बी तो इधर साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस y प्लस सेवन का स्क्वायर। ओके बेटा, तो कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, वाई स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन प्लस फोर्टीन एक्स वाई। ओके बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन साइड पे लिख लेते हैं ताकि इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी तो वी विल हैव द डाटा कि हमें क्या चाहिए। अब बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगेन कैंसल, प्लीज नोट इट डाउन बेटा, मैम अगर बोल रहे हैं कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट अब मेरे पास एक्स वाली टर्म अगेन माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स एक्स, तो मेरे पास ये क्या बन गया माइनस सिक्स एक्स। अब वाई वाली टर्म देखें माइनस टू वाई, अब कॉन्स्टेंट देखें इधर सेवेंटी टू में और इधर प्लस करेंगे नाइन तो कितना बन गया मेरे पास 58, 58 माइनस कर दें तो मेरे पास कितना बन गया 14, तो माइनस प्लस 14 इक्वल टू जीरो। माइनस टू से डिवाइड कर दे, जब किया तो 3x प्लस वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। अब उस इक्वेशन को भी क्या करें बेटा, थ्री से मल्टीप्लाई कर दे, उसका बेनिफिट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे और इजीली निकल आएगा। इसको सेकंड करो, इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो, हाँ जी फिर माइनस कर दो, कट गया टेन वाई प्लस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू। अब वाई आ गया किसी में भी, x को y को पुट कर दो x आ जाएगा, हमने x और y निकालना। बात सबको क्लियर हुई, कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को, पक्का जी। मेथड को याद रखो, कैलकुलेशंस तभी फास्ट होंगी
अगर आपके दिमाग में मेथड क्लियर हो, मैंने क्यों किया ये सारा कुछ मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है जी। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वी आर डूइंग नाउ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए बेटा मेरे पास क्या है। स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही आपको? यस और नो? ज्यादा है, थोड़ी धीरे कर दूं? चलो ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाँ जी बेटा, द टू ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। अब मेरे पास एक स्क्वायर है, ये लीजिए, बिल्कुल आराम से करेंगे हम। इसके ना दो ऑपोजिट वर्टेसेस दिए हुए हैं मुझे, माइनस वन कॉमा टू। अब ऑपोजिट है तो ये किधर होगा? मेरे पास थ्री कॉमा टू। ओके, अब उसने क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टेक्स। अब उसने मुझे कहा कि आप अदर टू वर्टेक्स को जो है कैलकुलेट कीजिए। अब बेटा यहाँ पर बहुत सारे मैथड हैं, कई बच्चे पता क्या करते हैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम देखें हमने एमसीक्यू टाइप करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसको प्रॉपरली अगर मैं ड्रॉ करके देखूं, ये लीजिए ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली ड्रॉ करोगे ना तो आपको 100% पता चल जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर 1 2 3 4 5 6 हाँ जी माइनस वन टू ये कोऑर्डिनेट हो गए इधर से 3, 2। अब 3 ये और 2 ये मत सोचिए ये वाला ये पॉइंट डायगोनल हुआ आपका, ये डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, यानी कोई ना कोई पॉइंट ऐसे, ये ऐसे होगा, ऐसी पिक्चर बनेगी, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने स्पेशली इसीलिए ड्रॉ करके बताया क्योंकि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं वो ड्रॉ करके कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं, तो जब वो ड्रॉ करते हैं ना कि ये तो स्ट्रेट लाइन आ गया, वो पता क्या करते हैं ऐसे लिया मीन्स ये बना, वो नीचे को ऐसे बना, दैट इज रॉन्ग बेटा। जब उसने क्लियर कट कहा है कि ये ऑपोजिट है तो मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायगोनल, ठीक है। अब करने का मेथड, ए बी सी डी, ठीक है, कई बार निकल आता है हमारा क्वेश्चन ग्राफ ड्रॉ करने से, अब नहीं निकलता तो हमें मेथड तो पता होना चाहिए ना। एक तो ये जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास यहाँ पर भी जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना वो मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल्स जो हैं वो मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, फोर साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, आप वहां से भी रिलेशन निकाल सकते हैं जितनी लेंथ इसकी है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, चार वेरिएबल्स हो जाते हैं मेरे पास ए बी सी डी जिनको निकालना, तो उतना ही वो क्या हो जाता है मुश्किल हो जाता है, तो हम डायगोनल का मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ए प्लस सी बाय टू इंटू बी प्लस डी बाय टू, ये किसके इक्वल होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी थ्री माइनस वन बाय टू, टू बाय टू वन, फिर टू प्लस टू बाय टू टू, यहां से ए प्लस सी इक्वल टू टू बना, बी प्लस डी इक्वल टू फोर बना। ट्रायंगल्स लेके क्या करोगे, ट्रायंगल्स को किससे कोऑर्डिनेट क्या कंपेयर करोगे, आप ट्रायंगल्स ले लोगे, आपने कोई एरिया थोड़ा कैलकुलेट करना है कि आप ऊपर का एरिया निकाल लो नीचे का एरिया निकाल लो प्लस कर दो वो स्क्वायर के एरिया, हमने तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं बेटा, तो पॉसिबिलिटी नहीं। मिड पॉइंट लगाया, इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हाँ जी
वन कॉमा टू माइनस वन प्लस थ्री टू टू डिवाइडेड बाय टू वन। अब तो कैलकुलेशन तो सीखो बेटा फास्टली मैनुअली एमसीक्यू करने हमने, ठीक है चलो कोई बात नहीं डाउट है तो यू कैन आस्क। फिर टू प्लस टू फोर, फोर डिवाइडेड बाय टू मैंने टू लिखा। मिड पॉइंट फॉर्मूला किया नहीं हमने, सारा चैप्टर खत्म हो गया एंड यू फॉरगेट द मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू वाई वन प्लस वाई टू बाय, जो इस डायगनल का मिड पॉइंट है वही इस डायगनल का मिड पॉइंट होना चाहिए। आपको याद हो जब पैरलोग्राम का फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालना था, वर्टेक्स निकालना था, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया था कि नहीं, सेम मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। ओके जी, अब मेरे पास यहाँ पर ए की वैल्यू टू माइनस सी आ गई, बी की वैल्यू फोर माइनस डी आ गई, आ गई। मैंने ए को सी में चेंज कर दिया, मैंने बी को डी में चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, ये वाली लेंथ इसके इक्वल रिलेशन किस में आएगा, ए बी में, ये वाली लेंथ इसके इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेशन किस में आएगा, सी डी में। मेरे पास वहां प्लीज बेटा इनको उसमें यूज करोगे, आपके पास एक एक वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी, वहां से ए बी सी डी का आंसर इवैल्यूएट हो जाएगा। क्यों लगाएंगे, आपको ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए बेटा, इक्वेशन में वो यूज नहीं करोगे, ए की जगह पे सी फिर बी की जगह पे डी, पहले लगाना ही लगाना। मैं आपको करके बता देती हूं, ए बी सी डी, ओके फर्स्टली आप लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए डी, हम पूरा कर लेते हैं बेटा, लेट अस कंप्लीट इट। हाँ जी, दैट मीन्स स्क्वायर भी इक्वल। अब मेरे पास हो गए, मैं यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूं, सी प्लस वन स्क्वायर डी माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस वन स्क्वायर बी माइनस टू स्क्वायर। अब देखो यहां पर सी भी है डी भी है ए भी है बी भी है, आपको दो वेरिएबल्स में चाहिए, किस में चेंज करोगे, सी डी में सब कुछ। जहां ए है वहां पर क्या लिख दीजिए, टू माइनस सी, जहां पर बी है क्या लिख दीजिए, सारा इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन किस में आ गई, सी डी में आएगी। ऐसे ही अगली बार किसको इक्वल करो, सी डी इज इक्वल टू मेरे पास हो गए ये बी है सी बी करोगे, वहां पर भी जहां ए और बी आएगा सी डी में चेंज कर दोगे, दोनों इक्वेशंस किस में बन गई, सी डी में। सॉल्व कर सकती हो कि नहीं, जैसे एक्स वाई में करते हैं, सी डी आ गया, अगर सी डी आ गया सी डी यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी। हमने यही तो चीजें निकालनी, अब तो कर सकती हो कि नहीं, सबको समझ आ गया। हाँ जी, क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रही हूं, प्रॉब्लम ये थी अगर मैं ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स पता थे और वो ऑब्वियस है स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ड्रॉ करने पे मेरे पास कोऑर्डिनेट नहीं निकले, है ना, आई एम नॉट एबल टू फाइंड। एक तरीका ये हो सकता था, अगर मैं हिट एंड ट्रायल से बताऊं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो, जितना इसका डिस्टेंस है वो ही डायगोनल का डिस्टेंस होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं। अगर मैं रफली ग्राफ के थ्रू आपको शॉर्टकट बता रही हूं, आधा ऊपर आधा नीचे होना चाहिए कि नहीं, मान लो फोर आया, अगर फोर आया टू डिस्टेंस ऊपर टू डिस्टेंस नीचे,
ये भी फोर था तो ये टू और टू, आपको इसके कोऑर्डिनेट पता लग सकते थे उससे, टू डिस्टेंस ऊपर जाके आप ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे, टू डिस्टेंस नीचे जाके आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते। ये था शॉर्टकट मेथड, लेकिन कर लो आप, मैंने तो आपको सारे बता रही हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सीबीएसई ने हमें कुछ नहीं बताया। मान लो सीबीएसई कुछ पिक्चर इंसर्ट का मैथ्स में ऑप्शन डाल दे कि आप काम करो और पिक्चर इंसर्ट करो साथ में हर क्वेश्चन, ऐसी भी ऑप्शन हो सकती है कि नहीं? जब हमें अभी पता ही नहीं है तो मैं तो आपको सारे मेथड्स बताऊंगी ना। पेपर तो ऑनलाइन, पहली टर्म तो ऑनलाइन हम सोच के चल रहे हैं, ऑफलाइन भी हो सकती है ऑनलाइन भी हो सकती है, दोनों तरह से वाई ऑप्शन दे के नहीं। अगर मान लो ऑफलाइन भी हो, स्कूल में हो आपको, तब भी हम पिक्चर ऑप्शन, आप शीट पे करो, हम बाद में आपकी पिक्चर्स ऑनलाइन भेजें सीबीएसई को। सीबीएसई के पास तो डाटा ऑनलाइन ही जाएगा ना, यहाँ ऑफलाइन होगा कि नहीं, तो प्रिपेयर करवाएं कि नहीं आपको, कि उस टाइम बोले नहीं बेटा कर लो जैसे मर्जी। तो बेटा ये पहला शॉर्टकट भी वन पता चल गया, सक्षम क्लियर। दूसरा मेथड मैंने आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताया, मैंने क्या किया इनके कोऑर्डिनेट्स को लेट कर दिया, जो अदर डायगोनल बना रही, लेट करने के बाद सबसे पहले तो मैंने मिड पॉइंट लगाया, मिड पॉइंट से दोनों के मिड पॉइंट सेम होने चाहिए, मैंने इक्वेट किया, मेरे पास एक रिलेशन ए बी सी डी में आ गई, ठीक है। फिर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार इसको इससे इक्वेट किया, एक बार इसको इससे इक्वल किया, करने पे वहां पर दोनों रिलेशन को दो वेरिएबल में चेंज कर दिया। जरूरी नहीं है कि बी डी में करो, जरूरी नहीं है ए सी में करो, किसी दो वेरिएबल में चेंज करना है वो आप पे डिपेंड करता है, एनी टू वेरिएबल। मैंने यहाँ से सी डी में चेंज कर दिया था ए बी को, तो यहाँ पर भी जहां ए बी आया मैंने सी डी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सारी इक्वेशन किसमें चेंज हो गई, सी डी में। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को भी किसमें चेंज कर दो, सी डी में। वर्टेक्स पर हाँ है, परपेंडिकुलर का क्या मैंने मेथड कोई आपको कराया ही, प्लस वन में होता है हमारे पास स्लोप, टेंथ में तो हमने कुछ भी नहीं की। क्या आ सकते हैं कोऑर्डिनेट देखने हैं बेटा, आप क्या निकाल सकते हो 90 डिग्री से मुझे बताओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हमने 90 डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं किया बेटा, नहीं किया ना, तो आप बताइए, आप मुझे बताइए। मेरे पास प्लस वन का कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप माइनस वन के इक्वल होती है, आपको स्लोप भी नहीं पता, तो फिर ठीक है कि नहीं। ओके ओके बेटा,